एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आप सभी को मेरे और एक व्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं, हम लोग भी ठीक है। आज है संडे, आप सभी को हैप्पी हैप्पी वाला संडे। और अभी सुबह का 9:30 हो रहा था टाइम, अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चलिए देखते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुकी हो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक रहूँगी। वैसे तो मुझे आप लोगों के साथ पूरा दिन ही रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोगों से बातें करना बहुत ही पसंद है मुझे। तो एक दो दिन ब्लॉग नहीं बनाती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो देखिए, सुबह चाय वाय पी लिया था, उसके बाद बेटू को थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए बिठाया था, उसका होमवर्क भी ख़त्म हो गया था। और उसके बाद मैंने बुक्स वगैरह अरेंज कर दिया था और बिस्तर वगैरह क्लीन करके मैं आ गई थी पूरी घर पे झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था, और आज ब्रेकफास्ट में फिर से मैगी बना था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि आप लोगों को शायद सोचोगे कि डेली हमारे घर पे मैगी बनते हैं। वैसे आप लोगों ने ठीक ही सोचा, क्योंकि बेटू और हस्बैंड को जो है ना मैगी इतना ज़्यादा पसंद है कि मत पूछिए। तो उन लोगों को मैं ब्रेकफास्ट के लिए पूछती हूँ तो हर वक्त मैगी का ही नाम लेते हैं, और मैगी जो है मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। तो फिर भी उन लोगों के लिए मैं मैगी ही खा लेती हूँ। तो देखिए, फिर मैं आ गई थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। तो अभी ये ना सुबह उठ के मैं भिगो के रखी थी, और विंटर के टाइम है तो जल्दी जल्दी मैं धो लेती हूँ, नहीं तो कपड़े वगैरह नहीं सूखेगा और धूप बहुत ही जल्दी चला जाता है। तो देखिए, अभी आज ना डिटर्जेंट भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे हाथ से ही ऐसे ही सोप लगा के रगड़ना पड़ रहा था। और वैसे तो मेरे घर पर वॉशिंग मशीन नहीं है, आप लोग जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हो उन लोगों को तो पता चल गया है, मैं हैंड से ही क्लॉथ वॉश करती हूँ। तो अभी फटाफट वॉश कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे किचन पे। तो आज लंच पे जो है चिकन बनेगा, तो पोतेदेव अभी वही लेने गया है मार्केट, और घर पे ना 2 गेस्ट भी आने वाला है तो हस्बैंड के ऑफिस से ही, इसीलिए जो है फटाफट मैं काम निपटा रही हूँ। और वो लोग आने के बाद तो कुछ काम भी नहीं होगा, तो मैं शायद आप लोगों के साथ वो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि सबको जो है ना ये कैमरा वगैरह ऑन करो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए, फटाफट ये कपड़े वॉश करने के बाद मैं आ गई थी किचन पे। और किचन पे आने के बाद देखिए, यहाँ पर मसाला वगैरह मैंने भूंज लिया था, और अभी चिकन को मैरिनेट करके रखा था, तो फटाफट पका लूँगी। और चिकन का ये रेसिपी जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल सा है चिकन करी। तो बहुत ही कम मसाला दे के मैं बना रही हूँ, ज़्यादा मसाला भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो देखिए, अच्छे से मैंने भूंज लिया था, और यहाँ जो है राइस भी मेरा बन के रेडी हो गया था। तो अभी राइस रख दूंगी एक साइड, और ये जब तक मतलब होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने गैस का फ्लेम जो है एकदम लो करके ऐसे ही छोड़ दिया था। और चिकन जब तक हम मतलब पकाएंगे तो खाने में उतना ही टेस्ट बढ़ेगा उसका, तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और धीमे आँच में मैं 20 मिनट तक पकाई थी, उसके बाद यहाँ पर मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, ये पानी देने के बाद जो है मैं फिर से जो है ढक के पकाऊंगी, तो ये पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा हमारा। तो जब यहाँ पर चिकन हमारा देखिए बॉइल्ड हो गया था, तो अभी मैं ऊपर से जो है गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, और कलर देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है, बट ग्रेवी जो है थोड़ा सा पतला सा है। तो अभी देखिए हमारा लंच हो गया था रेडी यहाँ पर। तो मैंने लंच के बाद ही आज नहाया था, तो नहाने के बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि सब्जी वगैरह जो है बिल्कुल घर पे नहीं है, और पोतेदेव सिर्फ चिकन ही लेके आया था सुबह। और अभी मैं और बेटू दोनों जाऊंगी मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए, और कुछ ग्रोसरी शॉपिंग भी ले आना है, एक दो तो सामान है। और तो चलिए, फटाफट हम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों से बातें करते हैं।
কি করছো বেবি? আমি বিল্ডিং বানাচ্ছি। তুমি বিল্ডিং বানাচ্ছো? আর বাকিগুলো কই? ছেলেটা হারিয়ে দিয়েছো। হারিয়ে দিয়েছো? কোথায় লাগি? এমনি 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 করে টাওয়ার বানাচ্ছো? টাওয়ার বানাচ্ছো? এটা পেয়েছি। বা এটা কি কালার? পিঙ্ক কালার। পেন্টিং কালার। তুমি গিরেছ, তুমি ফেলেছ। Hey guys, तो अभी 4:30 हो रहा था टाइम और हम मैं और बेटू दोनों आए थे छत पे, तो कपड़े भी लेने के लिए आए थे और बेटू और मैं थोड़ी देर खेलूँगी छत पे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।